क्या अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी है? पाकिस्तान से एक खबर निकल के आ रही है कि मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, जिसके चलते दाऊद का पाकिस्तान में कराची स्थित एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। दाऊद की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई पाकिस्तानी मीडिया वाले तो सूत्रों के हवाले से दाऊद की मौत की खबर भी चला रहे हैं। कराची में रविवार रात 17 दिसंबर को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। कई सोशल मीडिया पर भी बैन लगा दिया गया था। पाकिस्तान के कई पत्रकारों का ये दावा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर को देखते हुए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। अब ये दाऊद के मरने की खबरों की सुगबुगाहट कितनी सच्ची है ये पाकिस्तानी बता सकता है, पर धुआं ऐसे ही नहीं उठता। कुछ तो पंगा जरूर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी दाऊद की मौत के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये स्वीकार ही नहीं किया कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में शरण दी गई है। लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। भारत में अगर आप चोरी करते पकड़े गए तो आपको सजा हो सकती है, और ये बिल्कुल इलीगल काम है। लेकिन दुनिया में एक शहर ऐसा भी है जहां पर चोरी करना लगभग लीगल माना जाता है, और चोरी हो जाने पर ना तो कोई चोर को पकड़ता है और ना ही उसे कोई सजा होती। दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया और पेंसिल्वेनिया शहरों में इन दिनों शॉप लिफ्टिंग के मामले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। शॉप लिफ्टिंग का मतलब है यहाँ ड्रग एडिक्ट चोर कभी भी आते हैं और उन्हें जो भी चीज पसंद होती है उसे दुकान से वो उठाकर ले जाते हैं, और बाद में उन चुराई हुई चीजों को सस्ते दामों में बेचकर पैसा कमाते हैं। हैरानी की बात यह है कि स्टोर का मालिक और यहाँ तक कि गार्ड भी ये सब होते सिर्फ देखता है और उन्हें कुछ नहीं कहता। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार नशेड़ी या फिर ड्रग एडिक्ट चोर अपनी लत पूरी करने के लिए चोरी करते हैं। ऐसे में अगर उन्हें रोका जाता है तो स्टोर के मालिक पर वो जानलेवा हमला भी कर देते हैं। अमेरिका में कई बार ऐसा हुआ है कि चोरी को रोकने के चक्कर में गार्ड या फिर स्टोर के मालिक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इसलिए वो लोग चोरी रोकने के बजाय उस ड्रग एडिक्ट चोर का वीडियो बनाते हैं और पुलिस को दे देते हैं। अपने हाथ में कानून नहीं लेते। अब पुलिस क्या करती है राम जाने। पोलियो की वजह से आई विकलांगता और डिप्रेशन से जूझने वाली एक लड़की ने समाज की घृणा का सामना करते हुए यूपीएससी क्रैक कर लिया और आईएएस अधिकारी बन गई। इस लड़की की ये कहानी आपके अंदर आग लगा देगी। बाल लता मल्लावरपू ने बचपन में ही पोलियो की वजह से अपने दोनों पैर गवा दिए थे, जिसके चलते वो स्कूल में भी नहीं जा सकती थी। ऐसे में बाल लता के पिताजी ने उन्हें घर में ही पढ़ाना शुरू किया। 12वीं क्लास के बाद बाल लता ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग ग्रेजुएशन पूरा किया। इसी दौरान बाल लता को भविष्य की चिंता सताने लगी। डिप्रेशन में बाल लता के मन में जिंदगी खत्म करने का ख्याल आता था, पर इसका सामना करने के लिए बाल लता ने किताबों का सहारा लिया। इसी बीच जब उन्हें यूपीएससी के बारे में पता चला तो बाल लता ने खुद को साबित करने के लिए दिन रात मेहनत करके यूपीएससी की परीक्षा देने का फैसला लिया, और साल 2004 में वो दिन आया जब विकलांगता से जूझ रही बाल लता ने यूपीएससी क्रैक करके 399वीं रैंक लाकर आईएएस अधिकारी बनने का अपना सपना पूरा किया। हमें गर्व है बाल लता पे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि अब भारत भी अपना खुद का एआई प्लेटफॉर्म बना रहा है? जी हां गाइस, ओपन एआई चैट जीपीटी और गूगल के बार्ड के बाद अब भारत भी खुद का एआई प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है। दरअसल जब भारत में इंटरनेट का बूम हुआ तो देखते ही देखते भारत ने आधार और यूपीआई भी लॉन्च कर दिया, और आज यूपीआई को दुनिया भर में तवज्जो मिल रही है। साथ ही लगभग पूरे भारत में लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने लगे हैं, जिससे नोटों की चलन भी कम हो रही है। ऐसे में दिन ब दिन बढ़ते इंटरनेट के यूज को देखते हुए भारत सरकार ने नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी का एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके तहत अब भारत के लोगों का नॉन पर्सनल डेटा भारत में ही स्टोर करने के लिए डेटाबेस बनाया जाएगा। इसके बाद इस सारे डेटा को भारत में बनाए जा रहे एआई को फीड किया जाएगा, जिससे देश में गवर्नेंस, स्टार्टअप, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चरल जैसी चीजों को आसान बनाने के लिए एआई मददगार साबित होगा। गाइस, क्या आप भी इंडिया के इस एआई का इस्तेमाल करना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगली